हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, हम आज न्यू स्वेटर बॉर्डर डिजाइन के साथ आए हैं। तो ये देखिए, हमारा स्वेटर डिजाइन बॉर्डर डिजाइन कैसा लग रहा है ये देखिए। हम ये इसमें आज आपको दिखाएंगे ये बॉर्डर किस तरह से बनता है और कितने फंदों में बनता है और किस तरह से ये बॉर्डर हमने बना रखा है इसमें दिखाएंगे। और ये हमारा बॉर्डर कैसा लग रहा है, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिए कैसा लगा। और न्यू हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। और न्यू हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहिए। और ये हम हमेशा आपके साथ न्यू वीडियो के साथ, न्यू डिजाइन के साथ आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये देखिए, हम ये बॉर्डर बनाना सिखा रहे हैं आपको, वीडियो पर बने रहिए। तो किस तरह से हमने बना रखा है आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे फंदे डाले हुए हैं। तो ये डिजाइन हमेशा ये है रॉन्ग साइड और ये है राइट साइड। तो हम ये देखिए, राइट साइड से हमारा ये डिजाइन आएगा और रॉन्ग साइड से हमें डिजाइन स्टार्ट करनी पड़ती है। तो हमें आज तक हमेशा हमने ये देखा कि हमेशा बॉर्डर हो या फिर कोई भी डिज़ाइन हो, हमें राइट साइड पे ही डालना पड़ता था। तो ये अलग से डिजाइन है स्वेटर बॉर्डर्स का, जो हम रॉन्ग साइड से जिस सीधी बुनाई के साथ स्टार्ट करेंगे। तो हम कुछ न्यू दिखा रहे हैं आपको, तो वीडियो पर बने रहिए। तो ये देखिए, हम इस तरह से एक फंदा हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे। इसके बाद उधर से ले जाएंगे, फिर उसके बाद हम ये देखिए उधर से इस तरह से बुनाई करेंगे। एक फंदे का तीन फंदा बनाएंगे, एक फंदा है ये, इसका तीन बनाएंगे। जिस एक फिर अपनी तरह धागा लेंगे, फिर बुनाई करेंगे, फिर इसके बाद उधर को बुनाई करेंगे। तो ये तीन फंदे हो गए हैं। तीन फंदों के बाद हमें धागा अपनी मुंह की तरफ, और तीन फंदों का हमें एक फंदा बनाना है इस तरह से। तीन फंदे हमें यहाँ पे एक एक फंदे का तीन फंदा बढ़ गया है, तो यहाँ पे हम इस तरह से घटाएंगे भी इसको। हमेशा ये रॉन्ग साइड पे ही हमारा ये डिजाइन बनेगा। फिर इसके बाद हम ये उधर से एक फंदा, दो फंदा, तीन फंदा, एक का हमने तीन फंदा बना लिया। तो उसके बाद यहाँ पे हम तीन फंदों का फिर एक फंदा बना लेंगे। इस तरह से हमने स्वेटर बॉर्डर से बना रखा है। फिर इसके बाद उधर से करेंगे, फिर एक, दो, तीन। तो हमने एक फंदे में तीन फंदे बना लिए हैं। और जो यहाँ पे तीन फंदे हैं, तीन फंदे को इस तरह से एक फंदा बना लिया है। इसी तरह से हम यहाँ पे ये पूरी रो एक का तीन और तीन का एक करते हुए इस तरह से पूरी रो, जितने भी हम बॉर्डर से में फंदे डालेंगे, इसी तरह से हम एक के तीन और तीन का एक करते हुए हम पूरी लाइन इसी तरह से बुनाई करेंगे। फर्स्ट लाइन पे ये हो गया। फिर उसके बाद हम आ गए राइट साइड पे। तो राइट साइड पे हमें इस तरह से बुनाई करनी है, जैसे इस तरह से। ये देखिए, राइट साइड पे हमें पूरी रो क्या करना है, सीधी सीधी बुनाई करना है राइट साइड पे। राइट साइड पे हमें इस तरह से सीधी सीधी बुनाई करनी है, पूरी लाइन कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो सीधी सीधी लाइन हमें पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करना है, सादी सादी बुनाई करनी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है।
तो हम यहाँ पे ये पूरी रो पे हम इस तरह से बिनाई कर रहे हैं। ये पूरी लाइन पे साथ ही साथ ही बिनाई करनी है इसमें। तो इस तरह से गुट के बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से लगते हैं, किसी में भी डाल सकते हो, बेबी स्वेटर, कोटी स्वेटर, लॉन्ग स्वेटर, हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर, लेडीज स्वेटर। अक्सर बेबी स्वेटर और लेडीज लॉन्ग स्वेटर कोट इस टाइप में यही डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। जेंट्स स्वेटर के बॉर्डर में कम ही अच्छा लगता है, इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर कोटी स्वेटर लेडीज स्वेटर में ही डाले ये। फिर उसके बाद हम आ गए हैं तीसरी लाइन पे। तो तीसरी लाइन पे हमें क्या करना है, तीसरी लाइन पे हमें फर्स्ट फंदा ये स्लिप जहाँ पे हमने एक फंदे का, ये देखिए तीन फंदे बनाए थे, उसको हम एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। तीन फंदे का एक फंदा बना लिया। फिर उसके बाद इसी तरह से जो हमने तीन फंदे का एक फंदा बना रखा था उसको फिर इसी तरह से हमें यहाँ पे एक का तीन बनाना है, ये इस तरह से। फिर यहाँ पे एक का जो तीन फंदा बना रखा था उसको एक बनाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे तीन का एक फंदा बना रखा था उसमें, तो ये है पैर भी एक फंदे का तीन फंदा इस तरह से बनाएंगे। फिर आ गया ये एक का तीन बनाया हुआ, उसको एक फंदा बनाएंगे। इस तरह से जहां पे तीन फंदे बनाए थे वहां पे एक फंदा बनाएंगे, और जहां पे एक फंदे का तीन बना रखा था वहां पे तीन फंदे बनाते हुए इसी तरह से हम यहाँ पे इस तरह से बिनाई करेंगे। ये पूरी रो पर हमारा इसी तरह से चलता रहेगा, जहाँ पर एक फंदा है वहाँ पर हम तीन फंदे बनाएंगे, और यहाँ पे जो तीन फंदे हैं हम यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे पूरी रो जितने भी फंदे हैं उसको हम इसी तरह से बिनाई करते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फिर उसके बाद ये चौथी रो है। फिर और हम राइट साइड पर ही आ गए हैं। तो राइट साइड पर हमने क्या बताया था कि राइट साइड पे हमेशा हम सीधी सीधी बिनाई करेंगे इस तरह से। फिर वही लाइन पे आ गए हैं हम, तो रॉन्ग साइड पे हमेशा सीधी सीधी बिनाई करनी पड़ेगी हमें। तो हम यहाँ पे रॉन्ग साइड पे हमेशा रॉन्ग साइड, हमेशा राइट साइड पे हमें रॉन्ग साइड की बिनाई करनी है, सीधी सीधी बिनाई करनी है पूरी लाइन पे ही। हमेशा सीधा सीधा ही बिनना है हमें। तो ये देखिए कैसा लग रहा है, देखिए इस तरह से बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए, ये देखिए, अब ये इस तरह से गुटके बनने लगे हैं। ये देखिए इस तरह से ये गुटके बनने लगे हैं, ये देखिए। तो इसी तरह बिनाई करते हैं इसी तरह से। फिर उसके बाद हम रॉन्ग साइड पे आ गए। रॉन्ग साइड पे भी हमेशा यही देखना है कि हाँ कहाँ पर हमने एक का तीन बना रखा है, कहाँ पर तीन फंदे का एक बना रखा है। इसी तरह हम देखेंगे और इसी तरह से बिनाई करेंगे तो हमारा ये डिजाइन बहुत ही आसान से बन जाएगा और बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये देखिए इस तरह से, और हमारा यहाँ पे जो एक फंदा बचा हुआ है इस तरह से, जो फर्स्ट में किया था हमने एक फंदे का तीन फंदा उधर से लेके, इसी तरह से हमें बिनाई करनी है। फिर एक फंदे का हमने तीन फंदा,
हमेशा रॉन्ग साइड पे ही करना है ये, और राइट साइड पे तो हमें जिस तरह से हम राइट साइड पे हमें हमेशा सीधी सीधी बुनाई करनी है। तो हमारा ये देखिए इस तरह से बनने लगेगा। तो हमने ये बुनाई हमेशा ये रॉन्ग साइड पर ही किया है, रॉन्ग साइड पर एक फंदे का तीन किया है, फिर उसके बाद तीन फंदे का एक किया है, बस इतना ही है इसमें। तो उसके बाद हम यहाँ पे जो रॉन्ग साइड पे है, रॉन्ग साइड पे हमेशा सीधी सीधी बुनाई ही कर किया है। तो ये देखिए कैसा लग रहा है, और ये स्वेटर का कलर भी कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, ज़रूर बताइए। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करिए। थैंक्स।